हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे अपने लैपटॉप की सीमॉस बैटरी या फिर जिसे बायोस बैटरी बोला जाता है उसे कैसे चेंज करते हैं। ये बैटरी रिस्पॉन्सिबल होती है आपके सिस्टम में जो टाइम होता है, बायोस होता है, उसको अप टू डेट रखने के लिए। बायोस की जो सेटिंग होती है वॉलेटाइल इन नेचर होती है, यानी कि उड़ जाती है, जैसे कि आपके रैम वॉलेटाइल इन नेचर होती है। तो जैसे आप देख सकते हैं, मेरा जो लैपटॉप है ये डेल इंस्पिरॉन 5559, और अगर मैं आपको इसका टाइम दिखाऊं तो इसमें 11:51 हो रहे हैं, जबकि अभी 6:06 हो रहे हैं। और तो ये प्रॉब्लम थोड़े दिन से होने लगी है मेरे को। सीमॉस बैटरी डेड का एरर तो आने नहीं लगा अभी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सीमॉस बैटरी को चेंज कर दूं, क्योंकि इसको 4 to 5 years हो गए हैं। तो वैसे मैं इस लैपटॉप को कम यूज़ करता हूँ, और लेकिन बैटरी मैं आज आपको रिप्लेस करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, और इसमें काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम भी आने वाली है, तो आप वीडियो पूरी देखते रहिए। तो सबसे पहले देखते हैं बैटरी कौन सी लगेगी। तो ये बैटरी है, ये मैं लाया हूँ मार्केट से 30 rupees की। ये है मैक्सेल, जो कि हिताची का ब्रांड है, जैसे कि इस बैटरी के नीचे हिताची मेंशन भी कर रखा है। इसका नंबर है CR2030, और मोस्टली लैपटॉप या कंप्यूटर मदरबोर्ड में यही वाला नंबर की बैटरी लगी होती है, कईयों में चेंज भी हो सकती है। तो मेरे में ये लगती है, मैंने पहले चेक कर ली थी। तो आज हम ये वाली बैटरी इसमें रिप्लेस करेंगे, और तो स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें काम करना है वो हमें ये करना है कि हमें अपने लैपटॉप को शट डाउन कर देना प्रॉपरली। हमें स्लीप मोड में नहीं रखना, हमें उसको सिर्फ लिड बंद नहीं करना, हमें उसको पूरा शट डाउन करना है। तो पहले हम शट डाउन कर लेते हैं। शट डाउन होने के बाद अब हम इसके लिड को बंद करेंगे और अपने लैपटॉप को ट्विस्ट कर लेंगे। और इस पॉइंट पे अगर आप अपने लैपटॉप के नीचे कोई कपड़ा वगैरह रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ तो अभी मैं नहीं रख रहा। और उसके बाद जैसे कि आपको सामने दिख रहा है कि मेरे जो लैपटॉप है उसमें बैटरी निकल सकती है, ऊपर की साइड आपको दिख रही होगी इस लीवर से, तो मैं इसको अभी निकाल लेता हूँ। और ये बैटरी मेरे हाथ में आ गई है। अब हम लैपटॉप को दोबारा से सीधा करेंगे और उसको ओपन करेंगे, और जो पावर बटन है जिसे हम ऑन करते हैं उसको 10 से 15 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे। ये इसलिए होता है ताकि कोई भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो तो वो डिस्चार्ज हो जाए। अब हम इसको दोबारा पीछे करेंगे। अब कुछ लैपटॉप HP और Lenovo के मॉडल्स में पूरा हमें जो पीछे की केसिंग होती है पूरे की पूरा कवर वही खोलना पड़ता है, लेकिन मेरे लैपटॉप में एक नीचे छोटा सा कवर दे रखा है, मेरे को सिर्फ इसे कोई खोलना है। अगर आपके में ऐसे पार्टीशन दे रखा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको उसी को खोलना पड़ेगा, ज़्यादा आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ऐसे स्क्रू ड्राइवर चाहिए, आपको आपके घर में मिल जाएंगे। और जो मेरे को इसमें यूज़ में आएगा, जो मोस्टली लैपटॉप में होता है, वो होता है ये प्लस वाला, या जिसको फिलिप्स हेड बोलते हैं शायद। तो ये वाले स्क्रू ड्राइवर का मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे सामने नीचे वाले कवर को खोलने के लिए 2 स्क्रू हैं, तो मैं जल्दी से उनको खोल लेता हूँ। स्क्रू को काफ़ी संभाल के रखिए। तो दोनों स्क्रू हाथ में आ गए हैं। अब ये मिसप्लेस ना हो जाए तो इनको काफ़ी ध्यान से रखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, सामने गैप दिख रहा है मेरे को, उसमें मैं स्क्रू ड्राइवर फंसाऊंगा, और ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा सॉफ्ट होके इसको ऊपर की तरफ हम खींचेंगे, और ये आराम से कवर बाहर आ जाएगा। इसमें लॉक्स होते हैं, लॉक्स टूटने नहीं चाहिए। तो अब मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ लगी है, ताकि थोड़ी नॉलेज हो आपको भी। तो जूम करते हैं। तो सबसे पहले ये SSD है क्रूशल की, ये है नेटवर्क कार्ड, ये है 4 GB की रैम, और ये है दूसरी 4 GB की रैम। अब हमारा काम थोड़ा और राइट साइड में है। यहाँ पर जो सेल जैसी बैटरी दिख रही है आपको, इसे कहते हैं सीमॉस बैटरी, और ये जो वायर हैं ये स्पीकर की वायर से। तो हमें सिर्फ बैटरी को ही रिप्लेस करना है, तो हम बैटरी पे फोकस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं इसको कैसे निकालना है। थोड़ा सा मैंने और जूम किया आपके लिए। अब देखिए, आप बैटरी का नंबर पहले ही चेक कर लीजिएगा, उसी नंबर की आप बैटरी लगेगा, और ये अपने होल्डर में आराम से लगी हुई है। और पहले हम इसको होल्डर से बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए छोटा सा गैप है, आपको
इससे बैटरी अंदर की तरफ पुश करनी है और दूसरी साइड एक स्प्रिंग लगा है और यहाँ पर देखिए लॉक है दो, मैं आपको स्क्रू ड्राइवर से शो कर रहा हूँ, इनके उस साइड आपको पुश करना है और ये बैटरी ऊपर आ जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं, आप हाथ रख लीजिए आसपास ताकि बैटरी उड़ ना जाए। अब देखिए आराम से बाहर आ जाएगी, बहुत ही सॉफ्ट होकर आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा क्योंकि ये होल्डर आपके मदरबोर्ड से सोल्डर हो रखा होता है, तो फिर इसकी रिप्लेसमेंट काफ़ी महंगी पड़ सकती है आपको और आपसे हो भी नहीं पाएगी। तो ये हमारी बैटरी है KTS कंपनी की, मेड इन जापान, 3 वोल्ट्स की CR2032, सेम नंबर की बैटरी है। और अब इसको रिप्लेस करते हैं, तो ये नई बैटरी है हमारी मैक्सेल कंपनी की और सेम नंबर, और ये भी मेड इन जापान है। तो उसको खोलते हैं जल्दी से, तो एक बार मैं आपको जल्दी से नई बैटरी शो कर देता हूँ। ये देखिए ये एक बैटरी है, हिताची की बैटरी है। आपको अच्छी कंपनी की बैटरी लीजिए ताकि वो बैटरी आपको 3, 4, 5 साल आराम से निकाल दे, तो आप अच्छी कंपनी की बैटरी लीजिए। अब जैसे हमने उसको निकाला था वैसे इसको डालेंगे, पहले एक साइड को अंदर घुसाएंगे और इसको पीछे की तरफ धक्का देंगे, ज़्यादा नहीं देना, थोड़ा सा धक्का देंगे और इसको नीचे पुश कर देंगे। देखिए मैंने धक्का दिया और नीचे की तरफ पुश कर दिया, अब ये लॉक हो गई। देखिए मैंने थोड़ा हाथ से सेट कर दिया है और ये प्रॉपरली लॉक हो गई है, और काम बस इतना ही था। अब हम क्या करेंगे, इसका जो बैक कवर है, बैक प्लेट जो है, उसको स्क्रू ड्राइवर से बंद कर देंगे और यू आर गुड टू गो। तो जल्दी जल्दी बंद करते हैं, दो स्क्रूज जो मैंने निकाले थे उनको मैं वापस टाइट कर दूंगा। बैटरी दोबारा लगा दी मैंने, लैपटॉप को मैंने सीधा कर लिया, और अब यहाँ पे मेरे को एक प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने क्या किया, मैं जब भी लैपटॉप को ऑन कर रहा हूँ वो ऑन ही नहीं हो रहा, उसका लोगो तक शो नहीं हो रहा, कोई बायोस या कुछ भी, कोई कमांड लाइन कुछ भी नहीं आ रहा यहाँ पे, और विंडोज़ तो दूर की बात है। तो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ये आपके साथ भी हो सकता है और मोस्ट प्रोबेबली होगा ही होगा। तो अब प्रॉब्लम तो आ चुकी थी तो इसका सॉल्यूशन भी करना ही था, तो मैंने क्या किया, मैं यूट्यूब पे गया, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी। सबसे पहली बात तो ये कि किसी इंडिया के बंदे ने इस पर वीडियो बनानी रखी थी या मेरे को दिखी नहीं, वो बात अलग है। और जो मैंने फॉरनर्स की वीडियो देखी उसमें मेरे को कोई ऐसा सॉल्यूशन मिला नहीं कि भाई किसी ने प्रॉपर वीडियो बना रखी हो। तो मैंने गूगल पे काफ़ी देर तक सर्च किया, याहू पे सर्च किया, रेडिट पे पोस्ट पढ़ी, उसके बाद भी कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं कि मेरे सामने से होके निकला हो। तो फिर मैं ढूंढने लग गया लैपटॉप के सर्विस सेंटर नियर मी, तो मेरे को कुछ रिजल्ट्स मिले, तो लेकिन मैं चाहता था कि कुछ अपने हाथ से ही करूँ ट्राई। तो मैंने बैटरी को निकाल के डाल के दोबारा दोबारा करके देखा, मैंने सोचा एक बार पुराने वाली बैटरी डाल के देखते हैं जो मैंने अभी निकाली है, मैंने वो डाली तब भी कुछ नहीं हुआ। मैंने अडेप्टर लगा के देखा, मैंने जितने कॉम्बिनेशन मेरे से बन सकते थे मैंने हर चीज़ करके देखी लेकिन कुछ नहीं हुआ। कई वीडियोज़ में ऐसा बता रहे थे कि आपको लैपटॉप को पूरा खोलना पड़ेगा, तो वो भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में जब मैंने लैपटॉप का फ़ैन क्लीनिंग का ट्यूटोरियल बनाया था तो उसमें मैंने लैपटॉप पूरा खोला था, लेकिन वो एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग जॉब हो जाती और मेरे को नहीं लग रहा था कि भाई इससे कुछ होने वाला है। तो मैं ढूंढता रहा, रिसर्च करता रहा, तो लास्ट में मैंने वही किया जो नॉर्मल इंसान करता है, तो फाइनल हो गया कि भाई अब सर्विस सेंटर पर जाना ही पड़ेगा। तो मैंने ओला की ऐप खोली और वहाँ पे मैंने चेक किया, सर्विस सेंटर का नाम डाला मैंने और वहाँ के लिए अप्लाई करने के लिए कोशिश करी। तो एक तो काम वैसे ही ख़राब हो रहा था और वहाँ का जो प्राइस था वो भी कुछ ज़्यादा ही आ रहा था उस टाइम के हिसाब से, और ये तो कोई बुरी बात भी नहीं थी, इससे ज़्यादा बुरी बात तो ये थी कि जो मेरा कूपन था वो भी नहीं लग रहा था, अप्लाई ही नहीं हो रहा था। और ये तो
कोई बुरी बात नहीं थी, बुरी बात तो उसके आगे आनी थी, मेरी पेमेंट भी फेल हो गई। तो जब पेमेंट फेल हुई तब तो जो करना था खुद ही करना था। तो फिर मैं दोबारा काफ़ी देर रिसर्च करी मैंने, तो बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मेरे को एक सोल्यूशन मिला जो थैंकफुली मेरे लिए काम कर गया, तो मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो जो सोल्यूशन है अब उसकी बात करते हैं। यहाँ मैंने एक लिंक कॉपी कर रखा है, ये सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करिए और ये आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ये सारे स्टेप्स मेरे लिए काम कर गए हैं और होपफुली आपके लिए भी कर जाएंगे। तो कैसे कैसे करना है वो अब देखते हैं। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे एक डेल की कम्युनिटी फॉरम्स खुल जाएंगी, और अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक बंदे ने बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डेल का लेटिट्यूड जो है उसकी सीमस बैटरी निकाली और दोबारा डाल दी तो वो ऑन ही नहीं हो रहा। वो डेल का लेटिट्यूड लैपटॉप था उसका, और ये डेल एड एन डी नाम के भैया हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा आंसर दिया जो मेरे लिए काम कर गया। तो स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप जो है वो लिखा है रिमूव द प्राइमरी बैटरी एंड एसी अडैप्टर, जो बड़ी बैटरी होती है मेन बैटरी लैपटॉप की वो, और उसका चार्जर दोनों को हटा दीजिए पहले। दूसरा पॉइंट है कि जो हम छोटी सी बैटरी अभी चेंज कर रहे हैं सीमोस जिसका नंबर है CR2032, उसको भी हटा दीजिए। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट लिखा है वो है कि रिलीज़ द फ्री पावर, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है लैपटॉप में उसे हमें रिलीज़ करना है। उसके लिए जो लैपटॉप का बटन होता है पावर बटन जिससे हम लैपटॉप को ऑन करते हैं, उसको या तो 10 सेकेंड तक आप प्रेस करके रखिए या फिर अपने सिस्टम को आइडल पोजिशन में यानी बिना कुछ करे हुए 45 सेकेंड्स के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो अपने आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, मेक श्योर द सीमोस एंड द प्राइमरी बैटरी आर नॉट प्लग्ड इन इनटू द सिस्टम, यानी कि सीमोस बैटरी और जो पहले की बैटरी है बड़े वाली वो नहीं होनी चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांचवा है प्लग इन द एसी अडैप्टर। आपको क्या करना है, एसी अडैप्टर को आपको लगा देना है यानी चार्जर को, और दोनों में से कोई बैटरी आपकी लैपटॉप में नहीं होनी चाहिए, और आपको जो लैपटॉप है वो या तो ऑन कर देना है, अगर नहीं हुआ वैसे वो अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। सिक्स पॉइंट, जो सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा, उसमें ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी और थोड़ी देर के लिए वो स्क्रीन रहेगी और आपका लैपटॉप अपने आप शटडाउन हो जाएगा, अपने आप चल जाएगा, ऐसा 2 से 3 बार होएगा। मेरे केस में लैपटॉप का फ़ैन बहुत ज़्यादा तेज़ घूमने लग गया था और लैपटॉप 2 बार रिस्टार्ट हुआ था, और उसकी स्क्रीन में आपका डेल का लोगो या फिर जो सी भी कंपनी का आपका लैपटॉप है उसका लोगो आएगा। और सेवन पॉइंट यही है कि आपका जो लैपटॉप है वो 2 बार रिस्टार्ट होगा और 3rd बार में बूट हो जाएगा। अब आपके जैसे विंडोज चल जाएगी बिना किसी सीमोस बैटरी और लैपटॉप की बैटरी के बिना, सिर्फ एसी अडेप्टर यानी कि आपके चार्जर पे, तो आपको विंडो चलानी है और उसको शट डाउन कर देना है अंदर से, विंडोज़ के अंदर से। उसके बाद आपका जब लैपटॉप है वो पूरा शट डाउन हो जाए तब आपको सीमोस बैटरी को लगाना है अपने लैपटॉप में और एसी अडेप्टर दोबारा से प्लग कर देना है। और उसके बाद एक सेल्फ हील रिकवर्स या फिर सेल्फ चेक जो लैपटॉप का होता है कोई भी फेलियर में, वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा जब आप उसको ऑन करेंगे, और आपका जो बायोस है वो रीसेट हो जाएगा, यानी कोई भी सेटिंग्स होगी बायोस में वो रीसेट हो जाएगी। तो ये सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। आपका हर सॉफ्टवेयर और हर फाइल आपके लैपटॉप में रहेगी, कोई इधर से उधर नहीं होएगा, और ये बिल्कुल सही सॉल्यूशन है, इट वर्क्स फॉर मी, और आपके लिए भी वर्क कर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये लिंक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो आप इस पेज पे आ सकते हैं। तो बस उसके बाद हम लैपटॉप को जल्दी से बंद कर लेंगे, और जैसे ही हम लैपटॉप को स्टार्ट करेंगे पावर बटन से, अब मैंने इसकी बैटरी वैटरी सब लगा दिया है, और अभी इसके अंदर जो बैटरी है मेन बैटरी और सीमस बैटरी सब लग चुका है, और जैसे अब हम इसको रिस्टार्ट करेंगे तो अगर ये कहते हैं सिस्टम का टाइम जो है वो आप ठीक कर लीजिए, तो आप F2, F12 या डिलीट की जो भी आपके लैपटॉप के हिसाब से उसको दबाएं और बायोस में जाके डेट वाले सेक्शन में चले जाएं, वहाँ जाके आप अपने सिस्टम की डेट या फिर
जो टाइम है उसको आपको सेट करना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बायोस बहुत ही आसान सा एक इंटरफेस होता है, और एक बार ही आपको ये सेट करना पड़ेगा। आप एक बार यहाँ से सेट कर लीजिए, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक बार अंदर से कर लीजिए। उसके बाद आपको काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप जब सेट कर लें, आपको कोने में एक एग्ज़िट का बटन दिखेगा, आप एग्ज़िट पे जाएं और वहाँ से एग्ज़िट कर लीजिए, आपका लैपटॉप नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब जैसे मैं एग्ज़िट हो चुका हूँ, तो अब मेरे को डेल का जो लोगो है वो दिखने लग जाएगा। तो बस फिर लैपटॉप प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, और उसके बाद आप इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने लैपटॉप को 2 से 3 बार रिस्टार्ट कर लिया है थोड़े थोड़े गैप में, और इसका जो टाइम और डेट है वो बिल्कुल सही चल रहा है। और मैंने ब्लूटूथ हेडसेट के साथ भी इसको यूज़ करके देखा है, वो भी बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। एक बार मैं इसका वाईफाई और चेक करवा देता हूँ आपको। ताकि इन केस कोई डाउट ना रह जाए। तो जैसे कि इसमें डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, और अपलोडिंग वाली भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो अपलोडिंग की स्पीड भी बिल्कुल 75 Mbps के आसपास ही आ रही है, तो वो भी बिल्कुल सही है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इस प्रोसेस में आपकी कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर, कोई भी डाटा या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर को कोई डैमेज नहीं होगा, सब अपनी जगह पे ही रहेगा। तो सब अपनी जगह पे ही है। तो बेसिकली यही था आज की वीडियो में। एक सीमोस बैटरी मेरे को चेंज करनी थी, तो उसकी वजह चक्कर में मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। तो अब आपको सॉल्यूशन पता है, अगर आपको अब चेंज करनी हो तो आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब करने का मन हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।